11 देखिए कह रहा है कि ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से। चलिए तो एक ठोस बेलन पहले बना लिया जाता है, तो ये आपका बेलन बना लिए यहाँ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस बेलन में से, तो पहले बेलन की जो विमाएं है उसको यहाँ लिख देते हैं, है ना, जो जो दिया हुआ है। तो दिया हुआ है इसका व्यास 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्वेश्चन में दिया है, सॉरी ऊंचाई जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो ऊंचाई दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल है यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर। इसी ऊंचाई और एम व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, इसमें से एक शंकु को काट लेना है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला। ठीक है, तो यही होगा, यहाँ से ऐसे काट के निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो काट के निकाल लेंगे तो उसके बाद से इस बचे हुए भाग का आयतन क्या होगा, यानी कि आपको बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा देना है। ठीक है, चलिए, तो दोनों के लिए त्रिज्या और ऊंचाई तो वही है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं सिर्फ त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के लिए वही यूज करना है, आपको कोई अलग दोनों का अलग अलग दर्शाना नहीं पड़ेगा, कैपिटल एच स्मॉल एच कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको निकालना है शेष बचे हुए भाग का आयतन। तो शेष बचे हुए भाग का आयतन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का ऊंचाई और त्रिज्या तो सेम है, एलसीएम लेके यहाँ घटा लीजिए, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो घट के आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 पाई के जगह 22/7, आर के जगह दिया है 5 × 5 हो जाएगा, और एच के जगह हो जाएगा 12, 3 से इसको काट दीजिए, 4 में ये 50 25 होगा, 100 44 हो जाएगा ऊपर, 4400/7 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट में करना चाहे तो पॉइंट में कर सकते हैं, हो जाएगा 628.57 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर